यहाँ बहुत सस्ता में खाना मिल जा रहा है। हाँ, 15 रुपया में भर पेट मिल जा रहा है। मात्र 15 रुपया में आपको मिलेगा भोजन, और भर पेट खाएंगे और अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन आपको मिलेगा। नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार डब्लू और मैं अभी मौजूद हूँ पटना में। पटना में एक ऐसा होटल के पास अभी मैं हूँ जहाँ पे आप आएंगे तो मात्र 15 रुपया में आपको चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, अचार, 5 रोटी, दाल, मतलब 15 रुपया में आपको सब कुछ मिलेगा खाने के लिए। आपका 15 रुपया में पेट भर सकता है। और आइए हम उनसे बात करते हैं जो इस होटल के खाना देने वाले हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मात्र 15 रुपया में आप कैसे सब कुछ खिला सकते हैं और लोगों का 15 रुपया में पेट भर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं, एक व्यक्ति यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। कितना रुपया में भोजन देते हैं लोग? 15 रुपया सादा खाना। सादा खाना क्या क्या रहता है सादा खाना में? दाल रहेगा, चावल रहेगा, सब्जी रहेगा, चोखा रहेगा, अचार रहेगा, सलाद रहेगा। 15 रुपया में आपको पोसा जाता है? 15 रुपया में पोसा जाता है, घाटा नहीं लगता है? घाटा क्या है, तो गरीबों का सेवा हो रहा है, सेवा कर रहा है। हाँ, और क्या क्या यहाँ मिलता है? यहाँ मुर्गा मिलेगा, मछली मिलेगा, अंडा मिलेगा। अंडा मिलेगा, तो यहाँ जब आप आएंगे तो बहुत सारे चीज आपको मिलेंगे। अंडा, मुर्गा, अंडा मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, और उसके बाद सादा खाना भी मिलेगा। और आप इधर देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए, और सस्ता में मात्र 15 रुपया में आपको भोजन आपको यहाँ मिलेगा। और एक कुछ भाई साहब से मैं बात करना चाहूंगा कि क्या नाम पड़ेगा आपका? ये मेरा नाम राज है। कहाँ से आए हैं? पटना से हूँ। पटना से आए हैं। और खाना कैसा लग रहा है? खाना तो बहुत अच्छा है, सस्ता में मिल जा रहा है। इतना सस्ता नहीं मिलेगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट भी सही है। क्या क्या है खाने में? खाने में आप जैसे 15 रुपये में आपको सिंपल मिलेगा वेज, और 25 में आपको अंडा चावल मिलेगा, और 40 में मछली चावल। अच्छा, मछली चावल। तो भैया जी आए हैं और भोजन कर रहे हैं, एक भाई साहब और हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा निपेंद्र कुमार नाम होगा। निपेंद्र कुमार, कहाँ से आए हैं? नालंदा जिला। नालंदा जिला से आए हैं। यहाँ कुछ काम करते हैं कि घूमने आए हैं? नहीं, अथी आए थे हैप्पी टिपिट बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ बहुत सस्ता में खाना मिल जा रहा है? हाँ, 15 रुपया में भर पेट मिल जा रहा है। 15 रुपया में भर पेट लगे। गरीब तबका के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा। गरीब लोग, अमीर भी आके खा सकते हैं। सब कोई आ सकता है, आके खा सकते हैं। क्वालिटी में कोई कमी नहीं, कोई क्वालिटी में कमी नहीं। अच्छा, तो बहुत बहुत सारे लोग देख सकते हैं कि इस होटल में बहुत सारे लोग हैं जो कि भोजन कर रहे हैं, और मात्र 15 रुपया में यहाँ आएंगे तो भोजन मिलेगा। सर स्वागत है आपका। हाँ सर, बोलिए सर। क्या नाम पड़ेगा? अभिनय कुमार। अभिनय कुमार, भोजन तो काफी सस्ता में यहाँ मिल रहा है। हम 3 जगह खाए हैं इसमें जी, कारगिल चौक पर खाए, यहाँ खाए, बहुत अच्छा बुझाया, काफी सस्ता में मिल जा रहा है जी। हाँ, तो बाकी भी अन्य लोग हैं, और भी कुछ लोगों से मैं बात करूंगा कि कैसा आपको भोजन, अच्छा है कि नहीं। कुछ एक और भाई साहब हैं, और क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है सुधीर कुमार। सुधीर कुमार, भोजन तो बड़ा सस्ता बा। भोजन सस्ता नहीं? हाँ ठीक है, सस्ता है। 15 रुपया में भर पेट खाना मिल रहा है? भर पेट नहीं है, लेकिन ठीक है। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ आएंगे तो पैसा के हिसाब से कोई भी यहाँ आकर के खा सकता है। जिसके पास मतलब पैसा कम है वो भी यहाँ पर आकर के खा सकता है। मात्र 15 रुपया में आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा। और मार्केट से बढ़िया है, मार्केट से बढ़िया है। सब साफ सुथरा सब कुछ, हाँ भोजन मिलता है तो मार्केट से बढ़िया मिलता है। और काफी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं भोजन करने के लिए, और काफी ये जगह जो है बहुत फेमस है। और उनसे बात करेंगे जो इस होटल को चला रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप यहाँ आएंगे तो यहाँ एक आपको कूपन मिलेगा, कूपन के बाद आप वहाँ से आगे से जो काउंटर है वहां से आप भोजन ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, एक भैया कहाँ चले गए, तो आइए इसमें हम आते हैं और बात करते हैं भैया से कि इतने कम सस्ता में आप बेच रहे हैं, कोई मुनाफा होता है कि घाटा होता है आपको? क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम महेश है। महेश पड़ेगा। हमारा जो मेन ओनर है उनका विजय बाबू नाम है। विजय बाबू नाम है। 15 रुपये में बेच रहे हैं, घाटा आपको नहीं लगेगा? घाटा लगे तो घाटा से मतलब नहीं ना, हमको समाज सेवा करना है। समाज सेवा कर रहे हैं जो कि गरीब अमीर सब खा सके, यहाँ पर खा सके, किसी को खाने का दिक्कत ना हो। जो विकलांग है, जो काम धंधा नहीं, रोजगारी करता, उसको भी फ्री में खिला देते हैं। फ्री में भी खिला देते हैं। हाँ, जो नहीं है, जो विकलांग है, उसको फ्री में खिला देते हैं।
प्रतिदिन तो काफी लोग आते होंगे वैसे? बहुत, पिछला महीना में तो निकलता था 4,000-3,500 आदमी रोज खा के जाता था। अभी ठंडा पड़ गया तो आदमी कम हो गया। कम हो गया है, हाँ। बहुत कम लोग अभी आ रहे हैं। एक दिन की आमदनी कितनी हो जाती होगी लगभग में? आमदनी वही 9,000, कभी 10,000, कभी 15,000 ऐसे हो जाता है। अच्छा, कभी 20,000 टप जाता है। 20,000 टप जाता है, हाँ। तो अभी ठंडी का मौसम है तो ठंडी में थोड़ा कम लोग आ रहे हैं। ठंडी करके बहुत कम। आइए, कूपन 3-4 कलर का है, इसका क्या कुछ बता सकते हैं? हाँ बताएंगे। ये वाला रोटी है, पूरी मिलेगा इसमें 15 रुपया में। अच्छा, और इसमें सादा चावल मिलेगा और दाल सब्जी सलाद पापड़ अचार इसमें मिलता है। अच्छा, और ये है 25 रुपया का है, अंडा चावल का साथ मिलता है। अच्छा, और ये है मछली चावल, आपको मिलेगा 2 पीस मछली राइस का साथ। अच्छा, और चिकन मिलेगा आपको 2 पीस राइस का साथ मिलेगा। अच्छा, 40 रुपया में। अच्छा, जो जो भोजन मिलता है उसका अलग अलग है, देख सकते हैं कि कूपन है सबके लिए, अलग अलग कूपन बनाया गया है ताकि कोई दिक्कत ना हो, जो चाहिए वो वहां से काउंटर से ले सकता है। और चावल ये सस्ता वाला है कि महंगा वाला है? चावल अच्छी वाला लगाते हैं कि क्या नाम है इसका? देखिए देखिए चावल का नाम भी देख सकते हैं, बढ़िया चावल है ये भी। हाँ। और थोड़ा सा दिखाइएगा क्या चावल जो बना है उसको हम देखेंगे, और देख सकते हैं बढ़िया वाला चावल है। और इसमें देखेंगे दाल, दाल का क्वालिटी, दाल कौन सा रहता है? दाल मसूर का दाल है, मसूर का। हाँ। दाल है। और इधर देख सकते हैं कि सब्जी है, आलू गोभी का सब्जी है, आलू गोभी का सब्जी है। अब बहुत कुछ, मतलब यहाँ जो कोई भी आएगा सस्ता से सस्ता में सब कुछ यहाँ, मतलब जो खाना चाहेगा, मछली खाना चाहे या चिकन खाना चाहे या सादा भोजन करना चाहे, सब कुछ मिल सकता है। तो देख सकते हैं उसी उसी में मैं अभी मौजूद हूँ। और एक भाई साहब ये पूरी बेल रहे हैं कि रोटी है? रोटी है, रोटी है। बहुत मजा आ रहा है। रोटी सब्जी है 15 का 3। अच्छा, 15 का 5 है। 15 का 5 है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा? अच्छा, सूरज। सूरज नाम पड़ेगा। और इतना सस्ता में भोजन मिल रहा है आपको, क्या लगता है? सेवा के लिए, गरीब सेवा के लिए, सेवा में लगे हुए। कब से कब तक ये दुकान चलता है? ये बहुत दिन से खुला हुआ है, लॉकडाउन से खुला हुआ है। टाइमिंग इसका क्या है? टाइमिंग कब से कब? भोर से 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। अच्छा, और देख सकते हैं कि इधर भी कुछ भोजन है, देख सकते हैं कि इसमें मछली है, उधर आपको चिकन दिख रहा है, ये अंडा दिख रहा है, और उधर सादा भोजन आपको दिखेगा, चोखा है, चोखा है और सब्जी है, देख सकते हैं दाल है, चावल में चावल है, सबका अलग अलग इसको ये किया गया है। और यहाँ जब आप आएंगे तो आपको मात्र 15 रुपया में आपको मिलेगा भोजन, भरपेट खाएंगे और अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन आपको मिलेगा। और अच्छा लगा इनसे बात करके, 15 रुपया में भोजन दे रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कि समाज सेवा में लगे हुए हैं। मात्र यहाँ 15 रुपया में मिलेगा। भाई साहब से बात करके अच्छा लगा, और वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पूरा शेयर करिए ताकि अन्य लोग जो है, जो पटना में लोग आते हैं और सस्ता से सस्ता भोजन की तलाश में रहते हैं कि भाई मेरे पास बजट जो है, पैसा जो है कम है, और मैं सस्ता भोजन कहाँ मिलेगा और कहाँ से मैं खाऊंगी, मात्र कम पैसा में मेरा पैसा बच जाए और भोजन भी अच्छा मिल जाए। तो वीडियो पूरा शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो जाए और पता चले कि पटना में आप आइएगा तो वहाँ आपको सस्ता से सस्ता भोजन मिलेगा। जगह का नाम क्या है? यहाँ पनीर मंडी। पनीर मंडी जगह का नाम है, पनीर मंडी जगह का नाम है पटना में जो है। और काफी अच्छा लगा इनसे बात करके, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा है, और धन्यवाद।